बीएसएल में कोहलर कैडमोर ने 50 गेंदों में 92 रन बनाए जो कि इंग्लैंड बल्लेबाज हैं। बात करेंगे कि आखिरकार आईपीएल में वो किस टीम के साथ खेलते हैं और कितने में खरीदे गए हैं। कराची किंग्स और पिशावर जालमी के दरमियान सेकेंड मैच पीएसएल का खेला गया जिसमें कोहलर कैडमोर ने 6 छक्के लगाकर 7 चौके लगाकर 184 की स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए और पिशावर जालमी को एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। बाबर आजम और कोहलर कैडमोर के दरमियान 150 से भी ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बनी। बाद में बाबर आजम 46 गेंद में 68 रन बनाकर चलते बने। कोहलर कैडमोर की आईपीएल में बात करें तो आईपीएल में उसे किसी टीम ने नहीं खरीदा। जी हाँ दोस्तों, कोहलर कैडमोर एक ऑलराउंडर है और उसकी बेस प्राइस सिर्फ 40 लाख थी। हालांकि आईपीएल में इसे खरीदा जाना था मुंबई इंडियंस टीम को, लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि कोहलर कैडमोर जैसे ऑलराउंडर को इस टीम ने नहीं खरीदा। लेकिन जिस तरीके से इसने प्रदर्शन किया है आईपीएल 2024 में, इस बंदे को कौन छोड़ सकता है। अगरचे आईपीएल 2023 में इसे कोई टीम ना खरीद पाई, लेकिन 2024 आईपीएल में इसे कोई टीम ना खरीदे ये मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत नामुमकिन है। यानी कि आईपीएल 2024 में कोहलर कैडमोर को जरूर कोई ना कोई टीम खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।